गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो देखिए मेरे पापा कहाँ चढ़ गए हैं, मैं बता रही हूँ आप लोग को दिखा। देखिए करेला तोड़ने के लिए ये कहाँ पे चढ़ गए। क्या चीज? अच्छा हाँ। और ये मेरे अंकल हैं, और यहाँ पे देखिए इतना सारा करेला टूट गया है फ्रेंड। और देखिए मेरा ना कल इतना यहाँ आंधी चला है कि देखिए मेरा एक पेड़ देखिए पूरा गमला सहित गिर गया। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। अब ये फूल इतना बड़ा बड़ा खिलता था, पूरा बड़ा बड़ा खिलता था फ्रेंड। अब ये इसको मैं कैसे निकालूंगी ये मेरे को टेंशन हो रहा है। अब ताड़ में इसको बांध के ऊपर करना होगा। और फ्रेंड यहाँ पे है नींबू, इसमें भी कीड़ा लग गया था, इसमें भी दवा डाले थे। आगे कैसे कैसे कीड़े हैं, कल डालेंगे। तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आप सबों का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे। और आज हमारे यहाँ आने वाले हैं कोई गेस्ट, तो ब्लॉग में पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद में पहुँच जाएंगे। और ये रहा हमारा करेला, 1 kg के समथिंग टूट गया होगा। और यहाँ का मेरा गमला गिर गया फ्रेंड, इसको मुझे तो है। अब कोई अभी उधर साइड कोई लड़के वगैरह आएंगे ना, फिर उनसे निकलवाऊंगी। आइए देखिए मेरे पापा इन करकट पे चढ़ गए थे। तो अब चलते हैं नीचे, अभी और है। अब तो पक गया, इसको फेंकिए, इसमें पिल्लू लगा लोगा। नहीं है तो मटिया में डबल फन हो गया। तो अब चलते हैं नीचे और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। अभी झाड़ू भी नहीं लगाया फ्रेंड, अभी बज रहे हैं 6:30। तो अब नीचे चलते हैं। अब बताइए, अब आपको नहीं दी तो फ्रेंड इनको भी दे देते हैं। ले तो करेला दो तो। क्या दियो ना, ये अकेले है, इनकी बेटी चली गई है धनबाद पढ़ने के लिए, और बेटा है नहीं, भैया गए ड्यूटी, तो अपना भजन गाएगी अकेले। अब हम चलते हैं नीचे। और इसके ये वाला करेला जो हमारे छत का है फ्रेंड, इसमें बिल्कुल कड़वापन नहीं है, बिल्कुल भी कड़वापन नहीं है। तो फ्रेंड हमारे यहाँ का बहुत भारी आंधी चली है, तो सारा घर बहुत गंदा है। तो मैं छत से आने के बाद सारे घर को साफ कर रही हूँ, पूरे घर में हो गई है बस सफाई। ये वाला फ्लैट बाकी था, तो 1 घंटा से मेरे को चारा लग चुका है। अभी तक क्लीनिंग का काम करते करते, और देखो इतना आम दिखा रहे इधर। तो फ्रेंड देखिए ये छत का बगल में जो पेड़ है भाभी का, उससे इतना सारा आम गिरा है, जो बहुत सारा कल गिरा, बहुत तेज कल आंधी था। तो ये वाला इधर तो धूल गया है, वो सामने वाली है जो वो धूल लेती है, बस खाली इधर थोड़ा समय मार देती हूँ और पूरा घर अब हो गया है क्लीन। देखिए फ्रेंड इतना गंदा पानी आता है हमारे यहाँ, पोछा मारने पे निकलता है। हर कमरे में कम से कम 2 बाल्टी पानी लगते हैं, ऐसा इतना गंदगी है यहाँ पे। तो सब्जी वब्जी कट हो गया फ्रेंड, पापा मेरी सब्जी कट कर दिए हैं।
तो दोस्तों अब आ गई हूँ मैं नाश्ता बनाने। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू बोदी की सब्जी और रोटी, और उधर बनाऊँगी अंगूरा। परसों भी वो वाली भाभी आम दी थी तो उसको मैंने कट करके रखा है, तो वो अंगूरा बना लेती हूँ। तो फ्रेंड हमारा नाश्ता बन गया है। तो ये जो मैंने आज छत से करेला तोड़ा, तो फ्रेंड ये जो छत से करेला तोड़ा है उसकी भुजिया है, और इधर अंगूरा बना है। और आज का है ये नाश्ता। तो फ्रेंड आज का है ये नाश्ता। ऐसे ऊपर से दिखा, तो ये है मेरे चाचा जी का और ये है मेरे पापा का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आप सबों का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे। मेरा फ्रेंड बच्चों पे चिल्ला चिल्ला के मेरा गला बैठ गया। बज गए हैं 11:15 और सारा काम मेरा हो गया है। और यहाँ पे नाश्ता वगैरह तो सब बन ही गया है, अंगूरा भी बन ही गया है, सब कुछ हो गया है। दाल चावल भी मैंने बना लिया है, दाल चावल, और ये रहा दाल। तो खाना बिल्कुल कंप्लीट है और थोड़ी देर में वो लोग भी आने वाले हैं, तो मैं अभी बताई नहीं हूँ आप लोगों को, सरप्राइज़ है। और घर पूरा मेरा क्लीन है फ्रेंड, थोड़ा सा बस अभी नहाई हूँ, बस सिंदूर लगा ली, बिंदी लगा ली, और बाल को अब जा रही हूँ ड्राई कर सुखाऊँगी। तो बस यही सब है। पूरा सुबह से मैं 6 बजे से लगी, तो खाना पीना सारा कंप्लीट हो गया मेरा 11:15 बजे तक। टोटल घर का काम मैं कर ली। आप लोग को मैं सुबह बताई थी चोखा बनाई हूँ, सब्जी, परवल की चटनी, करेले की भुंजिया, तो वो बन ही गया है। और छोटा वाला बेटा पूजा के पास साफ करके पूजा वगैरह कर दिया, क्योंकि अभी मुझे पूजा करना नहीं है। तो और मेरा ब्लाउज फ्रेंड बन गया है, थोड़ा सा उसमें काम है, तो 3 से 4 दिनों के अंदर मेरा ब्लाउज कंप्लीट हुआ है, क्योंकि घर का भी काम होता है दोस्तों, तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये देखिए मैंने बाजू पे ऐसा कट मारा है, तो बस फिनिशिंग करना है। और इसमें थोड़ा सा बाजू पे ऐसा करके डिजाइन डाली हूँ, तो ये वाला भी थोड़ा सा काम अभी बचा हुआ है। तो ये ब्लाउज में पूरा फाइनल लुक अब बट सावित्री के दिन दूंगी, तो आज इसका काम करूंगी, अभी ब्लॉग एडिट करूंगी। और एक मेरी फ्रेंड है, मतलब एक मेरी फ्रेंड नहीं, बहुत ओरिजिनल फॉलोवर हैं और सब्सक्राइबर हैं फेसबुक पे, तो वो लोग मुझसे रेसिपी मांगते हैं। तो फ्रेंड थोड़ी सी मैं रेसिपी बनाने में लेट कर रही हूँ, मगर रेसिपी आप लोग को सारी मैं बना के ज़रूर दूंगी, क्योंकि सिचुएशन ऐसा, और गर्मी के टाइम में मेरे से थोड़ा सा काम में लेजीपन हो रहा है, तो सारे रेसिपी मैं शेयर करूंगी। बस अब जल्दी से तैयार हो लेती हूँ, बाल वगैरह झाड़ लेती हूँ, अब आने वाली ही होगी। खुश रहो भाई। देखिए आ गई, खुश रहो भाई। बाहर नहीं निकलता, कोई नहीं, बाहर पता ही नहीं था अभी तो। और ये रही मेरी, पता नहीं लाइट वो नानू को प्रणाम किया रे। तो फ्रेंड और ये देखिए कितना मार दे रहा, इतना कसके गला। तो फ्रेंड ये है खाना, देखिए दाल चावल कहती हूँ, मतलब सब्जी, भुजिया, चटनी और अचार। नहीं जानते फ्रेंड, सिलाई वगैरह भी सीखना नहीं चाहिए, लोग सिलाई करवा करके जान पाते। और ये रहा उसका खाना, ये चावल ही खाएगी अभी, बताइए। तो फ्रेंड देखिए इसका खाना निकाल दूँ, ये अपने बेटा का खाना निकाल रही है, मैं बोल रही निकाल देती हूँ, ये अभी इधर व्यस्त है। क्या हुआ?
मेरी बेटी गिर गई है, देखते हैं चोट लग गया है मेरी बेटी को। देखिए यहाँ पे रोटी सब्जी खाएगी, कोई भी बच्चे लोग ना आज के टाइम खाना नहीं खाना चाहते। फ्रेंड ये खाना खा ली है ज्यादा और बोल रही है चावल में क्या मिला दिए कि मैं, मेरे को नींद आ रहा है। बताइए आप खाना ज्यादा खा लोगे नींद ज्यादा आएगा, तो इसमें बनाने वाले की गलती है। तो अब मैं बच्चों लोगों को भी खाना दे देती हूँ और ये खा के सोई हुई है, 2 घंटा से सो रही है, उसके बाद बार बार बोल रही है पता नहीं क्या खा लिया है, मेरे को नींद खुल नहीं रहा है। अरे खा लियो ज्यादा तो सो ही नहीं। और मेरा छोटा वाला बेटा खुद से लेके खा लिया है, बड़ा वाला को मैं दे देती हूँ, हन्नू पीस तो खा लिए है। और दाल भात सब्जी देना बस, और कुछ नहीं देना। और नहीं, नहीं, कुछ चोखा चटनी हम नहीं चाहिए, चोखा है भुंजिया वाला दे दो, नहीं है तो दे बस। तो आज इसके मन मुताबिक नहीं बना है, कल मैं भाई इसके मन मुताबिक खाना बनाते हैं क्योंकि बच्चा मेरा गुस्सा है। तो फ्रेंड ये जो आम है ना, तो देखिए पूरा पक गया है और बहुत टेस्टी भी लग रहा है, तो सब तो ऐसे ही देखिए खा रहे हैं, बहुत मीठा, कलंदर चल के बहुत सारा बर्बाद हो गया। इसको गुड़ आम बना दूंगी, अच्छा ही लगेगा। फोन में गिरते ने तब जाए किया ना बगुरा। तो फ्रेंड ये जो आम है उसमें मैं डाल दी हूँ चाट पाउडर, नमक और काला नमक, बहुत टेस्टी लग रहा है। और मेरी बहन खा के बताएगी। अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड ये लोग ये चीज़ तो आप नहीं बना सकते हो क्योंकि पका हुआ आम, तो ये इस टाइप का पका हुआ नहीं मिलेगा, ये 2 हिस्सा पका हुआ है और 1 हिस्सा कच्चा। तो फ्रेंड वो अभी भी चकाते रही है हमको, मैं थक गई खा लेती हूँ। तो फ्रेंड हो गया है रात का 9 बज गए हैं और मार्केट गई थी, काफ़ी सारा राशन लाई और आया है समोसा जलेबी, तो समोसा बच्चे लोग खा गए हैं। सर इतना सारा आम काट करके रखी हूँ, इसका बनाना है अंगूरा और जलेबी खा रही हूँ। तुम्हारी बड़ी बहन बिन ब्याह घर में पड़ी हुई, ये देखकर एक घर बचा है जो तुम्हारे कर्जों की वजह से गिरवी रखना पड़ा, और तुम्हें मुझसे और मदद चाहिए, क्या मदद करूंगा तुम्हारी, जाओ डूब जाओ कहीं जाकर ताकि हम और तबाही से बच सके, जाओ। बोला बोला शवा हप्पर, बोला 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 चढ़ा दी हूँ काफी सारा, सुबह भी बनाई हूँ और इतना सारा आम ही हो गया है, क्या करूँ इसका चार भी नहीं बनने लायक है। तो ये मैं अपनी बहन के लिए सूखा बना रही हूँ ताकि ये 1-2 महीना तक पूरा स्टोरेज रहेगा और इसको कुछ भी नहीं होगा। और आज का फ्रेंड ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, शाम में हमारा नाश्ता खाना मतलब जो भी है हो गया है, बस अभी आलू की भुजिया रोटी बनाऊंगी और इसके बाद पता नहीं फ्रेंड ब्लॉग शूट कर पाऊंगी नहीं, इसलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा
अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इंस्टाग्राम पे अगर आपने इंस्टाग्राम नहीं, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय।